You. California dreaming about you. Hello, hi, namaste dosto, main Ratan. आज आप लोगों में 12012 और 012 दोनों ट्रांसफार्मर में देख सकते हैं, तीन वायर हैं और यहाँ दो वायर हैं। दोनों का आपको फुल डीसी बताऊंगा, फुल डीसी 24 वोल्ट भी और 12012 माइनस 12 और प्लस 12 और 0 कैसे निकलता है फुल टू डीसी देख लीजिए। यहाँ पर डायग्राम भी बना है आपको, ये 0 माइनस 12 प्लस 12 और 0 का ये डायग्राम है। और वो जो 012 बनाना है उसको फुल फिल्टर डीसी, वो बहुत सिंपल है, ये भी सिंपल है, दोनों को देखेंगे। चलिए दोनों में आते हैं वीडियो, चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरे चैनल में जाकर देख सकते हैं। वीडियो आपको समझ आता है तो तभी सब्सक्राइब कीजिए, नहीं तो मत कीजिए, कोई मतलब नहीं है। सब्सक्राइब करते तो आइए, आपका स्वागत है। जितना बता रहा हूँ उससे और अच्छा कोशिश करूँगा बताने का। चलिए दोस्तों इसमें और मैं रिपेयरिंग प्रोजेक्ट जितने चीज़ें सब के बारे में बताता हूँ, अभी ये आप प्रोजेक्ट ही समझ सकते हैं। चलिए हम लोग इसको आते हैं, हम लोग शुरू में शुरू 12012 बताता हूँ। शुरू हार्ड से इजी आएंगे, नहीं इजी से हार्ड जाएंगे तो मजा नहीं, लेकिन नहीं चलिए उल्टा करते हैं आज, हार्ड से इजी आते हैं। शुरू में माइनस 12 प्लस 12 माइनस और 0, तो जो ये खाली सप्लाई दोस्तों, ये खाली सप्लाई इसमें काम आता है बस। जैसे होम थिएटर, जितने होम थिएटर हैं वो 12012 की यूज़ करते हैं क्योंकि उसको 24 वोल्ट चाहिए। वो ये सप्लाई खाली होम थिएटर में यूज़ होता है, जो 12 0 माइनस प्लस 12 और माइनस 12 और 0 सिर्फ होम थिएटर में यूज़ होता है। तो कहाँ यूज़ होता है मैं बताता हूँ, देखिए जैसे ये 12012 है, देख सकते हैं आप लोग सामने में, ये तीन वाला है, ये 12012 और ये वाला जो 3 एम्पियर का है ये 012 है, ओनली 0 और 12। तो आप लोग समझ सकते हैं 012 किसको बोलते हैं, ये 012 जिसमें दो निकलेगा 0 और 12, और जिसमें से इसमें से तीन वार निकला है मतलब 3 मतलब 12 0 12, समझ गए दोस्तों। इसको कन्फ्यूज मत रहना, ये थोड़ा क्लियर बताता हूँ। फिर यहाँ आ जाएंगे डायग्राम में, जिसको आप ब्रिज तो बनाने आता होगा आप लोगों को। जैसे ये ब्रिज बना है, दो साइड प्लस करना है, दो साइड माइनस करना है, फिर जैसे भी जोड़ना है जोड़ लो। जैसे इसको मैं दिखाता हूँ, देखिए ब्रिज जैसे बनाया था, देखिए ब्रिज बना है दो साइड, ये देखिए जो कैपेसिटर है दो साइड सफ़ेद सफ़ेद, जो प्लस है और जो कुछ साइड नहीं हो माइनस है, कैपेसिटर का माइनस ये माइनस में और ये प्लस प्लस में, और ये दोनों किनारे का एसी, सेम टू सेम वैसी बनाना है जैसे देख लीजिए इसको बनाया हूँ। आप लोग थोड़ा गौर करेंगे तो दोनों साइड का प्लस प्लस, ये प्लस निकल गया और दोनों साइड का ये माइनस माइनस, तो माइनस माइनस निकल गया, और ये दोनों एसी सेम बनाना है। मैं इसको डब्बा डब्बी बनाया हूँ, आप लोग सिंपल जैसे चाहिए ऐसे भी बना सकते हैं, चौकोर सब। इसका इधर माइनस, इधर प्लस और इधर एसी सेम बना है, आप लोग थोड़ा ध्यान देंगे तो सेम इतना काम, इतना जो डायोड, इतना जो बनाना है ना, प्लस 12 माइनस 12 में भी वैसी चीज़ होगा, और जो उधर बनता है सिंपल 012 के लिए वो भी यही सेम, उस ये आधा यूज़ होगा उसमें आधा यूज़ होगा। चलिए मैं इसको शुरू बताता हूँ, इतना बना लिए शुरू ब्रिज बन जाएगा। तो इसमें तीन वायर है, ध्यान देंगे तो 1 2 3 तीन वायर है ना इसमें, इसमें तीन वायर है। तीन वायर में क्या करना है, एक वायर सिंपल जाएगा, जो आप लोग दो ए वायर को हम लोग को छोड़ना है, बीच वाला को, ये 24 वोल्ट बनाता है। आप लोग ध्यान देंगे तो, ध्यान नहीं दे दोगे, ये 24 वोल्ट बनता है, ये 20-30-24 वोल्ट में काम करता है, मैं कितने बार बताऊंगा आप लोग सुने होंगे। तो ये देख सकते हैं सिंपल, इसको किनारे किनारे वालों को यहाँ डालना है, डायरेक्ट डायोड पास डालना है, और जो एक निकला है बीच से, जो बीच वाला निकलता है वो बीच वाला डायरेक्ट क्लियर यहाँ पास आएगा, और इसका माइनस जैसे कैपेसिटर का माइनस है तो ये माइनस छोड़ है तो माइनस में लगेगा, और यहाँ पर जो ग्राउंड आपको तीसरा बार आ रहा है वहाँ ये प्लस लगेगा, और सेम फिर क्या है, सेम क्या रहेगा, फिर इसमें जो प्लस साइड है इसका कैपेसिटर का प्लस रहेगा, और जो माइनस रहेगा ग्राउंड उसमें माइनस लगेगा, सेम जैसे डायग्राम बनाए आप बना सकते हैं सेम टू सेम। ये हो गया माइनस 12 प्लस 12 और 0, ये देखिए ये प्लस 12 हो गया, ये यहाँ से प्लस 12 निकल गया, यहाँ से माइनस 12 निकल गया, और यहाँ से 0 निकल गया। ये आपको होम थिएटर में यूज़ होता है, और सिंपल जो हम लोग दो वायर से यूज़ करते हैं जैसे 012, सिंपल ये 012 है तो तीसरा वायर नहीं रहेगा। तो क्या करना है आप लोगों को, सेम टू सेम यहाँ तक सेम बनाना है, जैसे चार डायोड है, चार डायोड में से बनाया तो इसमें एसी आता है, इसमें एसी और इसमें एसी, ये एसी गया, यहाँ से एसी गया, ये प्लस हो के ए माइनस हो गया, यहाँ पर हम लोग
जैसे इसको लगाएं तीसरा बार तो नहीं, डायरेक्ट यहाँ पर कैपेसिटर लगेगा अपना डायरेक्ट यहाँ, जितना जैसे 1 एम्पियर, जैसे 1 एम्पियर का है तो 2200 UF लगा सकते हैं या 1000 UF, दोनों में से लगा सकते हैं। और 2 एम्पियर है तो 2200 या 3300 UF वो लगा सकते हैं। और 3 एम्पियर है 4700 UF लगा सकते हैं। ये हो गया, बस इतना ही में कन्फ्यूज़न थे। बहुत जिन कमेंट कर रहे थे तो भी कन्फ्यूज़न लगता है इसमें, अभी भी जितना बताया तो भी कमेंट कीजिए, तो उसके ऊपर नेक्स्ट वीडियो बनेगा या मैं क्वेश्चन का जैसे आंसर देता हूँ उसमें दे दूंगा। इतना समझ नहीं आ रहा था 0 12 क्या होता है, 12 0 कैसे बनता है, तो ये दो चीज़ बता दिया हूँ, तो भी कन्फ्यूज लगता है तो कमेंट कीजिए। और वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कमेंट जरूर कीजिए, तभी पता चलता है क्या है नहीं। वीडियो के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।